पिछले वर्ष हुए किसान आंदोलन के बाद इस वर्ष भी कुछ संगठन किसान आंदोलन की बरसी मनाने जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि इस किसान आंदोलन में खुद किसान कम ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसी के चलते एहतियातन पुलिस पूर्व से ही सक्रिय नजर आ रही है। आला अधिकारियों ने रिजर्व बल समेत तमाम पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को मैदानी मोर्चा संभालने के लिए तैनात किया है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर और भी बलों की टुकड़ियों को बुलाने के लिए अलर्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार अब अगले 10 दिनों तक समस्त थाना प्रभारी थानों पर ही रहेंगे और पुलिस बल गश्त करता रहेगा। किसानों और आम जनता को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी और किसी भी प्रकार की स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होने दी जाएगी। मुख्य तौर पर पूरी व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके मद्देनजर पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की हैं। लगभग 1500 का बल लगाया गया है, जिसमें 500 का अतिरिक्त बल भी है। और मुख्य तौर पे सबसे जो प्रमुख बात है कि जो ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सभी लोगों के साथ लगातार संवाद रखा गया है, लगातार बैठकें हुई हैं और आम व्यक्ति को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको पर्याप्त केंद्र में रखा गया है। इस ध्येय के साथ पूरी व्यवस्था लगाई गई है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया है कि अगले 10 दिनों तक वो थाने में ही रहें, रात्रिकालीन जो विश्राम है वो थाने में ही सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी अगर स्थिति आती है तो तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। हालांकि अभी तो ये पुलिसिया आदेश ही माना जा रहा है, आगामी समय में देखना होगा कि थाना प्रभारी इस आदेश पर कितना अमल करते हैं।